प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हीट ट्रांसफर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू द कंपोजिट वॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपोजिट सिस्टम किसे कहते हैं और कंपोजिट सिस्टम से हीट का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। तो सर्वप्रथम हमें कंपोजिट सिस्टम के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो ये क्या होता है? ये वह सिस्टम होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर दो या अधिक मटेरियल की परतें जो कि श्रेणीबद्ध या समानांतर भी हो सकती है एवं भिन्न भिन्न थर्मल कंडक्टिविटी की होती है सेट होता है, ट्रांसफर होता है। उदाहरण के लिए हम इसमें ले सकते हैं जैसे थर्मस, जिसके अंदर और बाहर की जो सतह की पदार्थों की तापीय चालकता भिन्न भिन्न होती है, इन दोनों सतहों के बीच के पदार्थ की चालकता भिन्न होगी। इस तरह के सिस्टम को हम कंपोजिट सिस्टम कहेंगे। अर्थात ये विभिन्न प्रकार की थर्मल चालकता वाली, तापीय चालकता वाली परतों से मिलकर बना होता है। हम इसके लिए एक थर्मस फ्लास्क का उदाहरण ले सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें तीन परतें हमें नज़र आ रही है, K1, K2 तापीय चालकता, K3 तापीय चालकता की, और इसमें जो पेय पदार्थ जिसका तापमान TA है वो अंदर भरा हुआ है, और उस पेय पदार्थ की जो ऊष्मा है वह इन तीन परतों से गुजरती हुई बाहर निकलेगी, और किस प्रकार से इसके ताप में परिवर्तन होगा, तापमान में गिरावट आएगी। तो और इसका जिस प्रकार हम सर्किट डायग्राम इसको कैसे परिपथ में कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, TA और T1 के बीच में जो प्रतिरोध का मान RA है, T1 और T2 के बीच में प्रतिरोध का मान R1, T2 और T3 के बीच में प्रतिरोध का मान R2, T3 और T4 के बीच में प्रतिरोध का मान R3, और T4 और TB के बीच में प्रतिरोध का मान RB लिखा हमने। इसको हम स्पष्ट करते हैं। माना कि एक विभिन्न पदार्थ की बनी दीवार जो कि भिन्न भिन्न तापीय चालकता के पदार्थों से बनी है, इसमें हीट की फ्लो रेट निकालने के लिए फोरियर समीकरण वह अंदर और बाहर की दीवार के लिए हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। इसमें हम न्यूटन का नियम लगाएंगे। TA और TB अंदर और बाहर के फ्लूड के तापमान है, एवं HA और HB कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवों में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्टिंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के द्वारा होता है, जो हम HA और HB लेते हैं। जबकि सॉलिड ठोस में, क्योंकि दीवारें क्या है इसकी ठोस रहेगी, तो उसमें हीट का ट्रांसफर हम कंडक्शन माध्यम के द्वारा लेंगे। तो TA से T1 तक तो जो तापमान में गिरावट आती है वह कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के द्वारा अनुसार आएगी, तो इसमें हम HA लेंगे। फिर T1 से T2 तक जो तापीय चालकता K1 रहेगी, T2 से T3 तक भी तापीय चालकता K2 रहेगी, और T3 से T4 के लिए K3 रहेगी, और T4 से TB के लिए जो तापमान में गिरावट आएगी वह कन्वेक्शन माध्यम के द्वारा आएगी। तो इसमें हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या लेंगे, HB लेंगे। तो अब हीट का ट्रांसफर क्यू बराबर AHA TA - T1 बराबर -K1A T2 - T1/L1। ये K1 तापीय चालकता वाले परत के लिए है, बराबर -K2A T3 - T2/L2, बराबर -K3A T4 - T3/L3, बराबर AHB T4 - TB। ये कन्वेक्शन के लिए होगा। इन्हें हम इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर TA - T1/RA बराबर T1 - T2 - T3/R2, T3 - T4/R3, और T4 - TB/RB लिख लिया हमने। RA जो कि रेजिस्टेंस है उसका मान हमने पहले बताया था आपको, 1/HA × A। R1 बराबर L1/AK1, R2 बराबर L2/AK2 हो जाएगा, R3 बराबर L3/AK3 हो जाएगा, और RB बराबर 1/AHB हो जाएगा। क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा था परिपथ में जो प्रतिरोध का जो मान होगा L/K होता, तो यहाँ हमने लिख रखा L1/AK1। अब TA - TB
का जो मान है वो बराबर किसके होगा, टी ए माइनस टी वन प्लस टी वन माइनस टी टू प्लस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी थ्री माइनस टी फोर प्लस टी फोर माइनस टी बी। इनको प्लस करेंगे तो अंत में हमारे पास क्या बच जाएगा, टी ए माइनस टी बी की वैल्यू बच जाएगी। तो क्यू बराबर हम निकालेंगे इसमें टी ए माइनस टी बी अपॉन, ये रेजिस्टेंस के सारे जुड़ जाएंगे, वन अपॉन एच ए ए प्लस एल वन अपॉन ए के वन प्लस एल टू अपॉन ए के टू प्लस एल थ्री अपॉन ए के थ्री प्लस वन अपॉन एच बी ए। टी ए माइनस टी बी अपॉन समेशन आर लिखा हुआ है इसमें, जैसे कि क्यू बराबर ये ए को हम बार कॉमन ले लेंगे और ए ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ए टी ए माइनस टी बी और नीचे कोष्टक में आपका वन अपॉन एच ए प्लस एल वन अपॉन के वन प्लस एल टू अपॉन के टू प्लस एल थ्री अपॉन के थ्री प्लस वन अपॉन एच बी, ये बच जाएगा आपका। तो नीचे जो भी चीज़ बची हुई है आपकी, इसको हम ओवरऑल ही ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू के रूप में लिख देंगे और हमारे पास क्यू बराबर यू ए टी ए माइनस टी बी हो जाएगा। यू बराबर ओवरऑल ही ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मान कितना है अपने पास, वन अपॉन एच ए प्लस एल वन अपॉन के वन प्लस एल टू अपॉन के टू प्लस एल थ्री अपॉन के थ्री प्लस वन अपॉन एच बी। ये हमारे पास विभिन्न तापीय चालकताओं एवं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के रूप में हमारे पास ओवरऑल ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू ये आ गई। तो U का मान देख रहे हैं आप, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहलाएगा ये। अतः कंपोजिट वाल्व में कंडक्शन के द्वारा जो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो Q बराबर ए टी ए माइनस टी बी अपॉन वन अपॉन एच ए प्लस एल वन अपॉन के वन प्लस एल टू अपॉन के टू प्लस एल थ्री अपॉन के थ्री प्लस वन अपॉन एच बी होगा। तो हमने देखा इसमें हमने कंपोजिट वॉल से हीट ट्रांसफर का मान भी निकाल लिया, हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की हमने वैल्यू भी निकाल ली। अतः इसमें ये प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है कि हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन डिराइव द फॉर्मूला फॉर द ओवरऑल ट्रांसफर कोएफिशिएंट और हीट ट्रांसफर फॉर कंडक्शन थ्रू द कंपोजिट वाल्व। तो ये आपके हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपने आज क्लियर किया आपको कंपोजिट वाल्व से किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होगा। अब हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी एक परिभाषा है, उस परिभाषा और उसकी वैल्यू का हमें ध्यान रखना। तो हम इसके बारे में परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए आप, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई पाइप जिसमें भाप प्रवाहित हो रही है को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे रस्सी आदि से हम लपेटते हैं पाइप को, जिसमें जो भाप का प्रवाह हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर को लीक नहीं हो इसे रोकने के लिए उसके ऊपर क्या लपेटी जाती है, इंसुलेटिंग मटेरियल लपेटा जाता है ताकि पाइप से ऊष्मा की हानि नहीं हो। इसके लिए रस्सी को इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में कितनी तेजी से लपेटा जाए जिसके बाद पाइप से ऊष्मा का ह्रास कम हो जाए, लॉस कम हो जाए। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की परिभाषा, पाइप के चारों ओर लपेटे जाने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल की वह त्रिज्या होती है जिस पर पाइप से ऊष्मा का ह्रास अधिकतम हो, जिसे हम आर जीरो आर सी बराबर क्या लिखते हैं, आर जीरो लिखा जाता है। जैसा कि डायग्राम हम देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्यू मैक्सिमम दिखाया गया है और आर पर रेडियस दिखाई गई है। जैसे आर जीरो का मान आर सी से कम होता है तो हम देख रहे हैं हीट का लॉस बढ़ रहा है और मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा, ये आर जीरो बराबर आर सी। उसके बाद जब आर जीरो आउटर रेडियस का क्रिटिकल रेडियस वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, हीट का जो लॉस है आपका कम होता हुआ चला जाएगा। माना कि कोई पाइप जिसकी इनर व आउटर रेडियस आर आई वो आर जीरो है, यदि पाइप की बाहरी त्रिज्या आर जीरो पर इंसुलेटिंग एड किया जाता है तब ऊष्मा का ह्रास बढ़ता है जब तक कि आर जीरो का मान आर सी के बराबर हो जाए, तथा ऊष्मा का ह्रास घटता है जब बाहरी त्रिज्या आर जीरो का मान किससे अधिक हो जाए, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से अधिक हो जाए। इसका वैल्यू आर जीरो बराबर के बाई एच अर्थात कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल अपॉन हीट कन्वर्टिंग ट्रांसफर कोएफिशिएंट बराबर आर सी के बराबर होती है। अतः आर सी का मान थर्मल कंडक्टिविटी व कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हीट कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने ये किसके बारे में, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में हमने अध्ययन किया। इसकी परिभाषा पूछी जाती है सामान्यतः आपसे। धन्यवाद।